आज हम बनाने जा रहे हैं करेले, वो भी मूंग दाल के। इसके अंदर हम मूंग दाल से फिलिंग करेंगे और ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ करेले और मूंग की दाल और ये फटाफट से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है आधा कटोरी मूंग की दाल और करेले। मूंग की दाल को धोकर उसको पानी में भिगो दिया है आधे घंटे के लिए और करेलों में भी नमक लगा दिया है छील कर आधे घंटे के लिए, ताकि करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाए। अब आधा घंटा हो चुका है, दाल भी भीग चुकी है और फूल चुकी है। करेलों को हम धो लेंगे अच्छे से और अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। अब इसके अंदर एक एक करके करेला डालेंगे तेल गर्म होने के बाद, और आराम से डालिए क्योंकि तेल का छींटा उछल के आएगा, क्योंकि करेलों में पानी होता है जब हम डालते हैं, तो ध्यान रखिएगा जलने का खतरा होता है। और इसको हल्का हल्का सा हम हिलाएंगे और करेलों को फ्राई होने देंगे। बीच बीच में पलटते रहेंगे और इनका कलर देखिए इस तरीके से ब्राउन हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना कि बिल्कुल काले हो जाए, लेकिन इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इन्हें निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। देखिए करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब करेले तो हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें रख देते हैं साइड में। तब तक हमने जो दाल भिगो दी थी और जो फूल चुकी है उसका हम बना लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है आधा प्याज, एक हरी मिर्च और एक टमाटर। अब इनको रफली चॉप्ड कर लेंगे और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें या उसे रफली चॉप्ड कर लें, ये भी मैंने एक चम्मच लिया है। साथ ही साथ आधा चम्मच लेंगे हम हल्दी। मैं यूज़ कर रही हूँ घर की पिसी हुई हल्दी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर वाली भी जो आपको सूटेबल हो। सूखे मसालों में मैं ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक यानी सॉल्ट, आधा चम्मच जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। साथ ही साथ मैं ले रही हूँ एक पिंच कसूरी मेथी। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। दाल में से पानी को हम निकाल देते हैं और अब तड़का लगाते हैं दाल में। तो उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून और इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम डाल देंगे सारे के सारे प्याज जो हमने चॉप्ड कर रखे हैं, और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च कटी हुई। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। और गैस अभी तेज़ ही है, बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो गैस को स्लो कर लीजिए जिससे प्याज नीचे ना लगे और जल ना जाए। तो इस तरीके से जब थोड़े ब्राउन हो जाए तब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं मसाले नीचे ना लगे, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ मैं इसमें हल्दी पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे मसाले को। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए और इस तरीके से थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। आधा कटोरी हमारी दाल है तो आधा कटोरी ही पानी लेंगे। ये ड्राई दाल बन रही है यानी सूखी दाल, तो इसके लिए हम पानी कम ही यूज़ करेंगे और मूंग की दाल बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए कढ़ाई में ही मैं पका रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं, उसमें भी बहुत जल्दी एक सीटी में तैयार हो जाती है ये दाल। तो जब थोड़ा उबाला आ जाए उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। एक उबाला आने के बाद इसको ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए गैस को स्लो करके रखेंगे। 10 मिनट बाद देखिए
पानी सूख चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब इसको गैस को तेज़ कर देंगे मीडियम पर और अब इसे ढकेंगे नहीं, इसका पानी सूखने देंगे। दाल को बहुत आराम से मिक्स करें क्योंकि ये टूटेगी तो सही नहीं लगेगी। तो देखिए दाल हमारी बनकर तैयार है। लास्ट इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये इलायची का, हरी इलायची का, दालचीनी का और जावेत्री का बनाया है। ये लगभग आधा चम्मच डलेगा। और दाल को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और करेले भी हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं और दाल भी। अब हमें दाल को करेले के अंदर फिल करना है और इस धागे से यानी थ्रेड से इसको हम बांध लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी दाल फिल कर ली है करेलों में और इसको बांध दिया है धागे से, जिससे दाल बाहर ना निकले। और दाल जो हमारी बच गई है वो हम इसी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। अब एक टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे कढ़ाई में, सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसके अंदर दाल डाल देंगे और दाल को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। ऊपर सारे के सारे हम करेले रख लेंगे। करेले भी पके हुए हैं और दाल भी, तो इन्हें हल्की सी स्टीम देने के लिए हम रख रहे हैं। गैस को स्लो करके इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। चाहे तो आप गरम मसाला इस वक्त भी डाल सकते हैं, क्योंकि एंड में गरम मसाला डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, और मैंने एंड में ही डाला है। और अब इस करेले को हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ऊपर देसी घी भी डाला है मैंने। और इसे चपाती के साथ आप खा सकते हैं। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।